हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 में। और यहाँ पर अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए हम देखते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम चैप्टर को शुरुआत करेंगे, इसके साथ साथ हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, इन क्लास 6 यू विल लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि क्लास 6 में हमने क्या समझा था, क्लास 6 में हमने समझा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी को फूड बहुत ही एसेंशियल है। फूड के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हम ह्यूमंस हैं, चाहे कोई जानवर है चाहे प्लांट्स है, सभी लोगों को फूड की आवश्यकता है अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी करने के लिए और डेली एक्टिविटीज को करने के लिए। अब यहां पर इस चैप्टर में हमें समझना क्या है, पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें समझना है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड का नीड है, एनर्जी का नीड है, यानी जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको पूरा कैसे करते हैं। समझ गए? तो यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया होगा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहां पर हमने एक और चीज पढ़ा था क्लास 6 में, कि हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो होते हैं, वो फूड के कंपोनेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट कंपोनेंट। ये चीजें हमने क्लास 6 में बहुत सारी देखी थी। अब यहां पर दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जरूरी होता है। जैसे कि आपका शरीर जो है उसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, इसके साथ साथ आपको विटामिन भी चाहिए। सभी का एक क्वांटिटी है कि हमें इतना क्वांटिटी में चाहिए और न्यूट्रिएंट्स, और यही होते हैं न्यूट्रिएंट्स। समझ गए कि जो कि एक तरीके से फूड के कंपोनेंट होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जरूरत होती है, जिनकी उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यही कहा जा रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी को फूड की आवश्यकता है, सभी को फूड की जरूरत है, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जिसमें कि ह्यूमंस यानी कि हम इंसान भी आ जाते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि वो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कौन दूसरे के ऊपर? तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड प्लांट से पाते हैं या फिर दूसरे एनिमल से पाते हैं जो कि प्लांट को ही खाते हैं। यानी कि जैसे देखिए हम लोग ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस में जानते हैं कि बहुत सारे जो इंसान हैं वो प्लांट केवल खाते हैं, यानी वेजिटेरियन है, और बहुत सारे ह्यूमंस क्या है, नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं। तो यानी कि हमारा जो फूड का सोर्स है वो प्लांट भी है और साथ में एनिमल भी है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि हम केवल इंसानों की नहीं बात कर रहे हैं, सभी जानवर ऐसा ही करते हैं। तो बहुत सारे जानवर हैं जो कि क्या है, हर्बीवोरस हैं, जो कि केवल प्लांट्स खाते हैं, और बहुत सारे जानवर हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। कौन है? कार्निवोरस। इसके साथ ही ओमनिवोरस भी होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। तो यहां पर देखिए कि अगर आप बात करें वैसे जानवरों की जो कि मांस खाते हैं, तो वो जानवर जो मांस खाएंगे वो किस जानवर का खाएंगे। तो आपको अंत में पता चलेगा कि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, वो जाकर प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं, हम लोग इंसान क्या खाते हैं मांस में, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं और अंडे खाते हैं, इसके साथ ही मछलियां खाते हैं। तो देखेंगे कि जो बकरी है, बकरा है या फिर चिकन है, वो क्या खा रहा है, वेजिटेरियन खाना खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है। तो इनडायरेक्टली सभी जानवर जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो जाकर डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। यानी कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम सभी एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसका क्या मतलब समझिए आप, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो दुनिया में कोई भी सर्वाइव नहीं करने पाएगा। यानी कि प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, और भी रीजन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, उसकी भी बात यहां पर की जाएगी। तो देखिए हम समझ गए प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, तो पेड़ पौधे अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर 1.1 पढ़ते हैं। 1.1 टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट।
न्यूट्रिशन क्या होता है इसको भी समझेंगे हम। न्यूट्रिशन यानी कि जो भोजन की ज़रूरत है, जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जिन न्यूट्रिएंट्स की, उसको पाना, उसको कंज्यूम करने का जो पूरा प्रोसेस हुआ उसको न्यूट्रिशन जनरली कहा जाता है। उसका डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी कि जो प्लांट होते हैं वो वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और जो बेसिक चीजें उनको लेते हैं और फिर अपना खाना तैयार करते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, पानी लीजिए और फिर मिनरल्स लीजिए, जमीन खोद कर निकालिए और उससे खाना बना दीजिए? क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। केवल प्लांट्स ये काम कर सकते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, यानी कि प्लांट्स के आसपास रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट है। रॉ मटेरियल तो आपके आसपास भी प्रेजेंट है। प्लांट्स को क्या चाहिए रॉ मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो क्या आपके आसपास मौजूद नहीं है? है, लेकिन आप खाना नहीं बना सकते हैं। ये काम केवल प्लांट्स कर सकते हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रैपिड डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब यहां पर कहा जा रहा है कि न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स जरूरी है इसलिए ताकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना बॉडी का ग्रो कर सकें, उसको बिल्ड कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें, अगर कहीं चोट लग गई है तो उसको ठीक कर सकें, अपना डेली एक्टिविटी को कैरी ऑन कर सकें। इसलिए हम सभी को न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी की जरूरत है। अब यहां पर देखिए न्यूट्रिशन का डेफिनेशन यहां पर दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को अंदर लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। यह पूरा जो प्रोसेस होता है इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर आपको एक चीज समझना है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको ठीक से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए न्यूट्रिशन के टाइप के आधार पर, न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ कि खाना अंदर लेकर प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहां पर दो तरीके के हमने बात किए थे, दो तरीके के न्यूट्रिशन की अभी हमने बात की थी कि प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाने कहने का मतलब कि वो हवा, पानी और मिनरल्स का यूज करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल्स का यूज करके क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स ऐसा करते हैं क्या? नहीं, एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स जाकर कहीं से पेड़ काटेंगे या फिर पौधे काटेंगे, उसको खाएंगे या फिर किसी जानवर का मांस खाएंगे और अपना जो डेली एक्टिविटी है उसको पूरा करेंगे। तो इस आधार पर कि कोई भी प्राणी, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो अपना खाना कैसे बनाता है, इस आधार पर हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ गए? यहां पर क्या होता है ऑटोट्रॉफिक में, ऑटोट्रॉफिक का सिंपल मतलब कि जो खुद से खाना बनाए वो ऑटोट्रॉफिक हो गया। हेटरोट्रॉप या फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? जिसमें कि वैसे जानवर या फिर वैसे जीव जो कि अपने भरण पोषण के लिए, अपनी खाना या फिर भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो आप सोच के जरा जल्दी से बताइए कि आप हेटरोट्रॉपिक हैं या फिर ऑटोट्रॉपिक हैं। सोचिए, मैं 5 सेकंड देता हूं। आप हेटरोट्रॉपिक हैं। क्यों? क्योंकि आप खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, आपको सनलाइट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, आपको सभी चीजें मिल रही हैं, आप नहीं बना रहे हैं अपना खाना। आप खाना के लिए किस क्या करते हैं? कभी चावल खाते हैं, कभी गेहूं खाते हैं, कभी आप जाकर कुछ और खाते हैं, यानी आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आप क्या हो गए? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप करते हैं। आप नहीं, आपके आसपास जितने जानवर हैं सभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। समझ गए? अब यहां देखिए ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक का एक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी जो खुद से अपना नरिशमेंट करता है, अपना खुद से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। उसी से मतलब मिलाकर वर्ड बना है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अब यहां पर बात आता है कि अब हमें समझना है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं या फिर
क्या प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि जो प्लांट का फूड फैक्ट्री है वो कहाँ होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, और जो फूड है वो क्या प्लांट के सभी पार्ट्स में बनता है या फिर प्लांट के कुछ खास हिस्सों में बनता है। ये सवाल तो आपके मन में भी आया होगा कि यार प्लांट्स खाना बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, प्लांट्स का कौन सा हिस्सा है जो कि खाना बनाता है, इस चीज को हमें समझना है। अब इसके लिए यहां पर हमें ये और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। यहां पर आपसे क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं इसके साथ साथ प्लांट्स के किस हिस्से में खाना बनता है, अब जिस हिस्से में खाना बनता है वहां तक रॉ मटेरियल कैसे पहुंचता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सनलाइट है, जो वाटर है, या फिर जो मिनरल्स हैं, वो सभी वहां तक कैसे पहुंचते हैं, इसको हमें अब समझना है। तो इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है। टॉपिक कौन सा है, 1.2 टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। आपको बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी यहां से। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, और ये क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, उन वो जो अपने लिए खाना बनाते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। अब यहां पर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट का वो कहाँ लोकेटेड होता है, लीव्स में, यानी जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसमें खाना बनाया जाता है प्लांट्स का, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, समझ गए। ये भी क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि प्लांट्स में फूड फैक्ट्रीज कहाँ होते हैं या फिर खाना कहाँ बनता है, तो आप समझ गए लीव्स होते हैं। तो इससे ये चीज तो समझ गए कि लीव्स में खाना बनता है, लेकिन अगला क्वेश्चन उठता है कि लीव्स तक सारे रॉ मटेरियल कैसे पहुंचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, या फिर जो वाटर चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो सारे कैसे पहुंचते हैं। अब यहां पर ये तो बात है कि सभी रॉ मटेरियल्स को पहुंचना चाहिए कहां तक, लीफ तक। अब इसके साथ अब हम देखते हैं कि जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो कहां से प्लांट लाता है, वो लाया जाता है सॉइल से, यानी कि जो प्लांट की जो जड़ें होती हैं जमीन में, जैसा कि मैं आपको एक इमेज यहां पर दिखा देता हूं प्लांट का, यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है, यहां पर जो लीव्स हैं लीव्स में खाना बन रहा है, यानी कि लीव्स में खाना बनेगा। अब इसके साथ ही यहां पर ये जो जड़ है, जड़ से वाटर, वाटर प्लस मिनरल, ये यहां से प्लांट लेता है और उसको यहां से जाकर जो पत्ते होते हैं उसमें पहुंचाया जाता है। अब कैसे पहुंचाया जाता है, तो इसके लिए देखिए टिश्यूज होते हैं प्लांट में, वैसे अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो बता देता हूं, तो यहां पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है उसको जाइलम कहा जाता है, और जो मिनरल्स होते हैं या फिर जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसको कैरी करने के लिए एक होता है जाइलम, से ही आपका वाटर वगैरह ऊपर कैरी होता है, और जब खाना बन जाता है तो उसको प्लांट के दूसरे दूसरे हिस्से में, अलग अलग हिस्से में पहुंचाने के लिए एक टिश्यू होता है फ्लोएम। फ्लोएम ये आपका एक तरीके से, यहां पर जरूरी नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि जो जाइलम होता है वो आपका वाटर वगैरह को ऊपर तक पहुंचाता है, और जो फूड जब तैयार हो जाता है जो फ्लोएम के जरिए प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन टाइप का दिया। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां पर यही कहा गया है कि जो वाटर और मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से और उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया जाता है, तो देखिए लीफ जो है वो हवा में मौजूद होता है, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, और वो लेता कैसे है, वो लेता है एक टाइनी पोर के जरिए, एक नहीं बहुत सारे टाइनी पोर होते हैं, जो आपके लीव्स होते हैं उसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पर, और वहां से जो एयर है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के द्वारा लिया जाता है, और ये जो पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल के द्वारा सराउंडेड होते हैं, और इस तरीके के पोर को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है, स्टोमाटा। तो मैं स्टोमाटा आपको एक तरीके से दिखा देता हूं, इसको अगर मैं बताऊं तो इसको दिखाने के लिए स्टोमाटा नीचे है, यहां देखिए ये है स्टोमाटा। अब ये आप देख रहे हैं कि ये पोर है, ये पोर है, लेकिन इसके आसपास गार्ड सेल होता है। क्यों होता है गार्ड सेल, क्योंकि देखिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो होती है सनलाइट के प्रेजेंस में।
अगर धूप होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, अगर खाना बन ही नहीं रहा है, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसलिए इस इन पोर्स के ऊपर गार्ड सेल होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय ये गार्ड सेल इस स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पर मौजूद हैं आपका ये जो पोर्स ये खुल जाते हैं और एयर को पास होने देते हैं। लेकिन जब रात हो जाता है या फिर खाना बनने की का समय नहीं होता है, खाना नहीं बन रहा होता है, उस समय में पोर्स जो हैं वो इस तरीके से बंद हो जाते हैं और वो छेद है वो बंद हो जाता है पोर, और वहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट बाहर से नहीं होता, यानी कि एयर वगैरह नहीं जा सकते हैं। तो आप समझ गए, तो यहां पर समझ गए कि स्टोमाटा जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। अब यहां पर स्टोमाटा की बात करें तो स्टोमाटा के आगे अब यहां पर कहा जा रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ पासेस फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। अब यहां पर हम क्या समझे, हमने यहां पर समझ लिया कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो पाइप्स जैसा एक वेसल होता है प्लांट्स में, एक या कई वेसल होते हैं जो कि उसको कैरी करते हैं कहां से, रूट से लेकर स्टेम से लेकर प्लांट के सभी हिस्सों तक, और मैंने नाम क्या बताया था, जाइलम। जाइलम जो होता है वो कैरी करता है वाटर और मिनरल्स को, और जो फ्लोएम होता है वो खाना जब बन जाता है तो उसको वापस कैरी करता है प्लांट के अलग अलग हिस्सों में, समझ गए। दे आर कॉल्ड वेसल्स, यू विल लर्न ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आपको और भी पढ़ना है इसके बारे में। अब इसके आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर एक ब्रैकेट में आपको सेल्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर देखिए जो सेल होता है एक प्लांट का या फिर एनिमल का, सभी ऑर्गेनिज्म में वो सेल एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे आपके घर में जो ईंटें होती हैं, बहुत सारी ईंटें मिलकर घरें बनती हैं, उसी तरीके से बहुत सारे सेल मिलकर आपका शरीर बनता है। अब यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उसमें कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि सेल का जो बाहर बाउंड्री लेयर होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसके साथ ही सेल में एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके साथ ही जो न्यूक्लियस है उसके पास जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और साथ में ये साइटोप्लाज्म है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट आता है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी जो लीव्स होते हैं उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट एक तरीके सा सब्सटेंस हम कह सकते हैं, उसको आपको उतना डिटेल में समझना है, जैसे हम कह सकते हैं कि वो कलर होल्ड करता है। अब उतना डिटेल में आपको जाने की पिगमेंट के बारे में जरूरत नहीं है। देखिए ये जो लीव्स हैं ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का है। अब ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर का है तो ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। यहां पर जैसे देखिए हमने ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है, और ये जो क्लोरोफिल होता है यही मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसकी वजह से जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फिर इस एनर्जी को यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बनाने के लिए, समझ गए। और यहां पर वाटर और मिनरल्स वगैरह की भी जरूरत होती है। और देखिए क्योंकि जो सिंथेसिस होता है फूड का वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, समझ गए क्या हो रहा है, फूड का सिंथेसिस हो रहा है यानी खाना बनाया जा रहा है, और ये कहां हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि अगर धूप नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी कि धूप नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे, समझ गए। और इसी वजह से इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी कि धूप में होता है इसी वजह, सनलाइट में होता है इसी वजह। फोटो मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि टू बनाना, यानी कि खाना बनाने का जो प्रोसेस हुआ सिंथेसिस बनाना। अब यहां पर देखिए, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये सारी चीजें जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये अर्थ पर बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है उसकी वजह से अर्थ पर सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं। कैसे, अभी कैसे मैंने बताया था कि अगर प्लांट अपना खाना बना रहे हैं वो खुद जो जिंदा हैं, प्लांट्स को दूसरे एनिमल खा रहे हैं वो भी जिंदा हैं, उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल खा रहे हैं वो भी जिंदा हैं, तो सभी लोग अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, समझ गए।
यहां पर आगे कहा जा रहा है कि द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसको कैप्चर किया जाता है लीफ के द्वारा और उसको साथ में फिर प्रोसेस किया जाता है। क्या प्रोसेस किया जाता है? सारी चीजों को कंबाइन करके खाना बनाया जाता है और उसको एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। तो इसलिए यहां पर हमें समझना चाहिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? अभी तुरंत मैंने बताया कि अगर प्लांट अपना खाना बनाएंगे तो वो भी जिंदा रहेंगे, प्लांट को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाएंगे वो भी जिंदा रहेंगे, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा वो भी जिंदा रहेगा। तो समझ गए क्यों? यहां पर आगे कहा जा रहा है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पर लाइफ सोच भी सकते हैं? तो बिल्कुल है नो, आप नहीं सोच सकते हैं। यहां पर आगे कहा जा रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर अर्थ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पर थोड़ा सा भी खाना नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये एक और चीज है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस समय जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और खाना प्रोसेस करने के बाद ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। तो समझ गए, प्लांट्स हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है। आपके आसपास के सभी टीचर वगैरह, सरकार भी बोलती है कि प्लांट्स लगाइए, बहुत हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो प्लांट्स क्यों लगाया जाता है? आप समझ गए कि वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं और ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं। ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या समझा आपने? प्लांट हमारे लिए एक और रीजन से जरूरी है। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ वो हमें खाना नहीं दे रहा है बल्कि हमें वो हवा भी दे रहा है, साफ हवा दे रहा है जिसको कि हम कंज्यूम करते हैं। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे यहां पर पूरा प्रोसेस आपको समझना है फोटोसिंथेसिस का, वो उसको मैं समझा दे रहा हूं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। यानी कि यहां पर क्या होता है कि जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होते हैं लीव्स के, वो क्या करते हैं? वो खुलते हैं, सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और फिर उनको मिलाकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि अपना खाना बनाते हैं। अब देखिए यहां पर कार्बोहाइड्रेट बताया गया है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जनरली बनाया जाता है और इसका इक्वेशन भी एक तरीके से यहां पर शो किया गया। इसको आप चाहें तो एग्जामिनेशन में अगर आप फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको पूरा प्रोसेस लिख कर आपको ये इक्वेशन भी शो करना होगा। इक्वेशन शो कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, लेकिन आप शो कीजिएगा तो टीचर को लगेगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर आपको पूरा प्रोसेस समझाया गया कि देखिए जो लीफ है उसमें क्या होता है, गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल वगैरह तो अभी मैंने आपको दिखा दिया था और यहां पर स्टोमाटा भी मैंने आपको दिखा दिया था और वहां पर गार्ड सेल किस तरीके से काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। और वो क्या करते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सभी को यूज करके क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो यहां पर ये ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं जब खाना बन जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, खाना बनता है प्लांट्स का, और साथ में ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। समझ गए? इसके बाद यहां पर आगे वही चीज लिखा गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो स्टार्च है वो अगर प्रेजेंट होगा, अगर किसी भी पत्ते में यानी कि लीफ में, तो उसमें समझ में आएगा कि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक और शॉर्ट में दिखा बॉक्स में दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस। द डिजर्ट प्लांट्स ऑल्सो स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर लीव्स की हमने बात की कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन अगर आप कोई प्लांट देखते हैं जिसका स्टेम या फिर
प्लांट के दूसरे पार्ट अगर ग्रीन है तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि जो पौधे आप देखते हैं छोटे छोटे उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, समझ गए। इसके साथ ही जो आप डेजर्ट प्लांट्स देखते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह होते हैं, उसमें क्या देखते हैं, कांटे होते हैं और उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही एकदम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इसलिए होता है ताकि वो प्लांट जो है वो वाटर को या फिर मॉइस्चर को लूज ना करे और वो आसानी से अपना भोजन वगैरह वैसे इन्वायरमेंट में भी बना ले, डिजर्ट वाले इन्वायरमेंट में भी बना ले। इसके बाद आगे यहां पर एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 में क्या कहा जा रहा है कि आप दो पॉटेड प्लांट्स लीजिए, एक को डार्क रूम में रख दीजिए 72 घंटों के लिए और दूसरे को सनलाइट में रख दीजिए, और उसके बाद आप कीजिए आयोडीन टेस्ट को आप कंज्यूम कंप्लीट कीजिए। अब आयोडीन टेस्ट कीजिएगा तो क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। आयोडीन टेस्ट क्या है, आयोडीन टेस्ट में यहां पर कहा जा रहा है कि अगर स्टार्च मौजूद होगा तो वहां पर जो पत्ता है वो ऐसा हो जाएगा, स्टार्च नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे क्या है, आगे हम देख लेते हैं कि क्या हमें बताया जा रहा है। आगे यहां पर देखते हैं वही कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड योर रिजल्ट, उसको बाद फिर से आप पौधे को क्या रखिए, बाहर रखिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए इस तरीके से। अब यहां पर आगे एक चीज आपको क्लियर किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि देखिए बहुत सारे लीव्स होते हैं जो कि ग्रीन नहीं होते हैं, बहुत सारे पेड़ों के पौधे पत्ते आप देखिएगा तो वो ग्रीन नहीं होंगे, लाल होंगे, आपको दूसरे कलर के होंगे, येलो होंगे, जैसे कि यहां पर एग्जांपल आपको दिखाया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, क्या उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है, वो खाना नहीं बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो प्लांट्स हैं इनके पास भी आपको क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, समझ गए, और ये भी बना सकते हैं क्या अपना भोजन। क्लोरोफिल हमने क्या देखा था कि क्लोरोफिल की वजह से कोई भी पत्ता या फिर पेड़ हरा दिखता है, लेकिन ये पौधे या फिर ये पत्ते ऐसे कलर के क्यों दिख रहे हैं जबकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है? तो ये पौधे या फिर ये पत्ते ऐसे कलर के इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनके पत्तों में जो रेड या फिर ब्राउन या फिर दूसरे कलर के जो पिगमेंट है, कलर पिगमेंट कलर है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है जो कि ग्रीन कलर को कवर कर देता है और हमें ये पत्ते दूसरे कलर के दिखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पत्ते फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ये पत्ते जो हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर आपको एक और चीज बताया गया कि देखिए हमने प्लांट्स की बात कर ली, इसके अलावा देखिए एक और ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना खाना खुद से बनाता है। यहां पर कहा जा रहा है यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अल्गी। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आपको बताया जा रहा है कि यहां पर देखिए अगर आप देखें तो ये आपने पूरा देखा होगा, अगर आप किसी पॉन्ड के आसपास गए होंगे जहां पर पानी शांत रहता है वहां पर आपने देखा होगा कि पॉन्ड के ऊपर ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर पूरा फैल चुका है पूरा, और बिल्कुल ऐसा आपको दिखता होगा। ये क्या है, ये एक तरीके का अल्गी है और ये ग्रीन दिख रहा है, तो इससे आपने क्या समझा, इससे आपने समझा कि ये जो है ऑर्गेनिज्म ये अपना खाना खुद से बनाता है क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, समझ गए। अल्गी भी अपना खाना खुद से बनाता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, समझ गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है वही क्वेश्चन, कैन यू गेस वाई अल्गी आर ग्रीन इन कलर, वही बात, क्लोरोफिल मौजूद है और ये खाना खुद से बना सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ें, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमने देखा कि जो प्लांट है वो जब खाना बनाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। अब यहां पर बात आ रहा है कि हमने तो यार बात किया था कि प्लांट से हमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट, विटामिन, प्रोटीन, ये सभी चीजें भी मिलती हैं, तो ये चीजें कैसे बनती हैं इनको अब हम देखते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि जो प्लांट से वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो प्लांट होते हैं वो इनको यूज करके आगे फिर फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन चीजों को प्रोसेस करते हैं, इन चीजों को बनाते हैं, समझ गए। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, यानी जो प्रोटीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में तो नहीं है, तो फिर किस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को एक्वायर करेगा और फिर प्रोटीन बनाएगा? तो इसके बाद हमें तो ये पता है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है,
हवा में, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो हवा के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ऊपर अगर मैं प्लांट आपको दिखाऊं तो यहां पर देखिए प्लांट जो है वो हवा से क्या एब्जॉर्ब करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से सनलाइट लेगा, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब नाइट्रोजन आएगा कहां से? जो नाइट्रोजन है वो प्लांट के द्वारा लिया जाता है आपके जड़ों से, यानी जो जमीन के नीचे जो है जड़, वहां से नाइट्रोजन को प्लांट एक्सेप्ट करता है और फिर उसको क्या करता है? यूज करता है। तो समझ गए कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट द्वारा कहां से लिया जाएगा? तो वो लिया जाएगा प्लांट के रूट से, यानी कि जड़ों से। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे यहां पर अगर हम देखें तो आगे यहां पर अब देखते हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन एयर में मौजूद होता है अबंडेंस में, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में होता है, उसको प्लांट द्वारा नहीं लिया जाता है। लेकिन जो प्लांट है वो सॉइल से नाइट्रोजन को लेते हैं। कैसे लेते हैं? अब देखिए, यहां पर सॉइल जो होता है, जो मिट्टी होती है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन, गैसियस नाइट्रोजन को, जो कि हवा में नाइट्रोजन मौजूद है, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में छोड़ देते हैं जिसको कि प्लांट एक्सेप्ट कर सकता है। जो हमने न्यूट्रिशन की बात की थी ना, वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में जो प्लांट है वो एक्सेप्ट कर लेता है जड़ों से। अब यहां पर जो प्लांट है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर के साथ में और इसको क्या करता है? यूज करता है प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन चीजों को बनाने के लिए। अब यहां पर आपने प्लांट जो खेती होती है वहां पर देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर रिच जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनके में नाइट्रोजन मौजूद होता है उसको सॉइल में डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि जो प्लांट है वो डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर सके और खेती जो है वो अच्छी हो। तो इस तरीके से जो प्लांट हैं वो अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं और इसके साथ ही दूसरे कंस्टिट्यूएंट का भी, यानी कि और भी कुछ चाहिए तो वो जमीन से ही ले लेते हैं। और जो प्लांट हैं वो प्रोटीन, विटामिन, इन चीजों को बाद में सिंथेसाइज कर सकते हैं। समझ गए? अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर आता है टॉपिक 1.3, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि जो प्लांट अपना भोजन खुद से बनाते हैं उनके बारे में पढ़ लिया, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं ऐसे जो कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि सभी प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो सभी लोगों की हम बात करेंगे, सभी तरीके के न्यूट्रिशन की। अब यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है और वो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, तो फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे वो न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं? अब देखिए, यहां पर ह्यूमन और एनिमल की तरफ को ऐसे जो प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना भोजन पूरा करने के लिए, यानी अपना भोजन पाने के लिए। और यहां पर ये जो प्लांट्स होते हैं ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि खुद से खाना नहीं बनाएंगे, दूसरे का खाना बनाया हुआ खाएंगे। समझ गए? ऐसा करते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी होगी। यहां पर जैसे देखिए, ये आपको जो एग्जांपल है, ये एक पेड़ है। पेड़ के ऊपर जो ये रेशे रेशे के रूप में येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये एक तरीके का ऐसा प्लांट है जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, बल्कि वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उससे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको चूसता है, उसको लेता है और अपनी जो नीड है उसको पूरी करता है। समझ गए? यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें कैस्कटा है, अमर बेल इसको हिंदी में कहा जाता है। ये वही तस्वीर है जो ऊपर मैंने प्लांट दिखाया था, वही प्लांट है, वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो प्लांट होता है जिसके ऊपर ये जाकर बैठता है, ऊपर जाकर बैठेगा वो होस्ट होगा, यानी कि जो अपना खाना खुद से बना रहा है, जिसके ऊपर अमर बेल जाकर बैठ गया वो क्या हो गया? होस्ट हो गया। और क्योंकि ये जो है, Since it deprives the host of valuable nutrients, और क्योंकि ये जो अमरबेल है, ये अमरबेल एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे और भी प्लांट्स होते हैं, समझ गए? ये जो अमरबेल है ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है दूसरे प्लांट से, तो इस वजह से इसको पारासाइट कहा जाता है। पारासाइट जो कि दूसरे का चूसेगा, दूसरे का जो ताकत है, दूसरे का एनर्जी है, उसको चूसेगा अपने फायदे के लिए, वो पारासाइट हो गया। और जिससे चूसेगा वो क्या हो गया? होस्ट हो गया। समझ गए?
अब यहां पर कहा जा रहा आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, ये भी आपको सोचना है, क्या हम लोग पैरासाइट हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना भोजन का पूरा करने के लिए, हम भी तो हो सकते हैं पैरासाइट, क्यों नहीं हो सकते हैं? अब यहां पर कहा जा रहा है कि आप इसके बारे में सोचिए और अपने दोस्तों से, अपने बातों से, अपने आसपास के लोगों से डिस्कस कीजिए। अब यहां कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी ऐसे एनिमल्स को देखा है जो कि, मेरा मतलब ऐसे प्लांट्स को देखा है जो कि एनिमल्स खाते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं और उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब सच प्लांट्स में लुक ग्रीन और सम अदर कलर, लुक एट प्लांट इन फिगर 1.6। यहां पर 1.6 में जो प्लांट दिखाया गया है ये एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है, उसको कंज्यूम करता है। अब कैसे खाता है, यहां पर ये जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी जो एक थैले लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहां पर ये लीफ का एक मॉडिफाइड रूप है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी जब इंसेक्ट आकर बैठ जाता है तो इसका जो ये ढक्कन है, ये ढक्कन बंद हो जाता है और इंसेक्ट वहीं फंस जाता है। और फिर ये जो प्लांट है ये क्या करता है, ये एक तरीके से एक लिक्विड छोड़ता है, यानी एक तरीके से ऐसा लिक्विड छोड़ता है जो कि उसको गला दे, उस प्लांट, मेरा मतलब उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर दे और उसको फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गए। और इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें कि प्लांट, मेरा मतलब है कोई इंसेक्ट जाकर फंस जाए, समझ गए। और इस तरीके के प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि जो इंसेक्ट को खाता है ऐसा प्लांट हम कहते हैं। देखिए यहां पर अगर हम आगे बात करें तो यहां पर यही एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे ये आप फिगर देख सकते हैं, ये रियल फिगर है। इसके साथ साथ में ये एक ऐसा प्लांट भी होता है, ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है, इसमें कोई अगर जाकर बैठ जाए, इसमें कोई अगर इंसेक्ट जाकर बैठ जाता है, तो यहां पर अगर इंसेक्ट जाकर बैठ जाएगा तो ये ढक्कन पूरा क्लोज हो जाएगा और एक फिर इस प्लांट द्वारा लिक्विड छोड़ा जाएगा, उस लिक्विड के द्वारा ये इसको गला देगा उस इंसेक्ट को और फिर इसको पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर देखें, यहां पर आगे है अगला सेप्रोट्रॉप्स। अब ये क्या है इसको देख लेते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट, यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मोस्ट सॉइल और ऑन रॉटेड वुड, रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लेट अस फाइंड आउट द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब यहां पर कहा जा रहा है कि आपने मशरूम जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा और जो मशरूम आप खाते हैं उसकी भी बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, और वैसा स्ट्रक्चर जो होता है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहां पर एक्टिविटी 1.2 है, इसमें कहा जा रहा है कि ब्रेड को लीजिए, उसको मॉइस्ट कीजिए और उसको छोड़ दिए 2-3 दिनों तक और उसके ऊपर देखिए कि क्या होता है। इसको आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, उतना कोई खास चीज है नहीं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि इसके ऊपर, यानी जो ये जो एक्टिविटी आपने की, इसमें क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ पैचेस बन जाएंगे और यहां पर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो एक स्ट्रक्चर आएगा, उसको मैंने यहां पर फोटो लिया, फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रेड है और इसके ऊपर ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इसको फंगस कहते हैं या फिर फंगी कहते हैं, समझ गए, इसको फंगी कहते हैं। अब यहां पर इसके, इनके पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इनका जो न्यूट्रिशन है ये अलग टाइप का है, ये खाना खुद से भी नहीं बनाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते भी नहीं है, तो ये अपना खाना कैसे पूरा करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनके द्वारा किया जाता है, ये क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, अगर वो डेड है, मर गई है या फिर डिके कर रही है, तो उससे वो एनर्जी को चूसते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर कोई जानवर मर गया या फिर कहीं पर कोई प्लांट डिके कर रहा है, सड़ रहा है, तो वहां पर ये पनप जाएंगे और वहां पर अपना जो बसेरा है वहीं बसाएंगे और वहीं पर ये उगेंगे। क्यों? क्योंकि उससे वो ये एनर्जी चूसते हैं, वो डेड और डिकेइंग जो मैटर है, जो प्रोडक्ट है, उससे वो एनर्जी चूसेंगे और चीजों को कंप्लीट करेंगे, यानी अपनी एनर्जी नीड को कंप्लीट करेंगे। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अब देखिए यहां पर फंगी जो है, फंगी वो जो है वो पिकल्स या फिर लेदर क्लोथ में भी उग जाता है। आपने अपने घर में देखा होगा जो फूड आइटम है वो जब सड़ जाता है तो जनरली क्या होता है, उस पर फंगी आता है, और भी चीजें आ सकती है। अब यहां पर आगे बात करें तो जो फंगल स्पोर्स होते हैं, यानी जो फंगल की जो बीज होते हैं, स्पोर्स उनको कहा जाता है, वो हमेशा में लगभग हमेशा मौजूद होते हैं। लेकिन जब वो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जैसे कि वेट हो, कोई भी चीज भीगा हुआ सतह हो और वार्म भी हो, तो वहां पर वो ग्रो करने लगते हैं,
समझ गए। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है, यहां पर कुछ दो या फिर और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ जो अपनी नीड्स हैं उसको शेयर करते हैं, और ये जो रिलेशनशिप होता है इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ फंगी होते हैं जो कि प्लांट के रूट्स में रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लांट हैं वो क्या करता है, फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में जो फंगस है वो वाटर और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड करता है। यानी एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, साथ में रहते हैं, और ये जो रिलेशनशिप होता है एक दूसरे की नीड को पूरे करने का रिलेशनशिप, इसको कहा जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस समझ गए। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो लाइकेंस होता है, लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक तरीके से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है जिसमें कि जो अल्गी होता है और जो फंगस होता है ये दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ पर जो अल्गी है उसके पास क्लोरोफिल कंटेनिंग मैटर होता है, यानी क्लोरोफिल वो कंटेन करता है, और इसके साथ ही जो फंगस है वो शेल्टर, वाटर और जो मिनरल्स हैं वो अल्गी को देता है, और अल्गी बदले में जब खाना बन जाता है तो वो फूड प्रोवाइड करता है किसको, फंगस को। यानी दोनों साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बनाते हैं और साथ में रहते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक 1.5 जो कि है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यानी कि देखिए, अगर खेती हो रही है जमीन में, वहां पर सालों साल खेती की जा रही है, तो वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसकी तो कमी हो जाएगी, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे वापस पूर्ति की जाती है ये देखते हैं। अब यहां पर आपने कभी देखा है कि जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स को फील्ड में डालते हैं, और या फिर गार्डनर्स को देखा है कि वो लॉन में या फिर पॉट में इनको डालते हैं, और आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों जाता है? इसका रीज़न ये है कि आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से लेते हैं, और वहाँ पर जो अगर वो सॉइल से ले रहे हैं हर साल, हर महीने, हर सीजन में अगर खेती होगी तो वो लगातार वो निकालते रहेंगे सॉइल से, क्या करेंगे, मिनरल्स को निकालते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, जो जमीन है उसमें जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी कमी हो जाएगी। और वहां पर ये कमी ना हो और उस कमी को पूर्ति करने के लिए जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स या फिर जो मैनुअर्स हैं उनको डालते हैं कहाँ पर, सॉइल में। और ये जो फर्टिलाइजर्स और मैनुअर्स हैं इनके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सभी मौजूद होते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको जमीन में हर समय यानी कि खेती के पहले, खेती बाद, कुछ समय के बाद डालना जरूरी होता है ताकि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो और हम आसानी से प्लांट्स को ग्रो कर सकें और उनको हेल्दी रख सकें और अपनी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है या फिर जो प्लांट की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, यूजुअली क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल जो होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और आपने सीखा था या फिर देखा था कि जो नाइट्रोजन गैस मौजूद होता है वो बहुत मात्रा में एयर में मौजूद होता है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं बल्कि वो ज़मीन से लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर एक तरीके का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। देखिए, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन या मेरा मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं एयर से, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उनको कैसे चाहिए, सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि क्या करता है, प्लांट के जड़ों में रहता है, और ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है उसको लेता है और उसको प्लांट के यूज करने के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो राइजोबियम है वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकता है, तो फिर से आप समझ के क्या हुआ, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, कि जो प्लांट है उसको जो राइजोबियम है वो क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, बदले में राइजोबियम को क्या मिल रहा है, प्लांट से खाना मिल रहा है। तो समझ गए, यहां पर अगर आप देखें राइजोबियम का मैंने इमेज लिया है, यहां पर अगर आप देखिए तो ये आपका क्या है, एक प्लांट है, प्लांट का जड़, और ये जो नोट्स जैसा देख रहे हैं ये क्या है, राइजोबियम यहां पर मौजूद है, राइजोबियम यहां पर मौजूद है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर आता है
और जनरली जो प्रोटीन रिच जो जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं जिसमें कि प्रोटीन हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, उसमें ये मौजूद होता है, जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, इन सभी में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। समझ के इन रिटर्न क्या होता है, जो प्लांट है वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, और इस वजह से उनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनका होता है। और ये जो एसोसिएशन है बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो अपना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है उसकी उसमें कमी कर सकते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं डालना होगा अगर प्लांट खुद से अपना नाइट्रोजन की जरूरतों को पूरा कर ले। और मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स, यानी जो जहां पर ये लेगुमिनस मौजूद होते हैं उनकी बात यहां पर की जा रही है। लेगुमिनस देख लेते हैं क्या है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। समझ गए, लेगुमिनस प्लांट मतलब कि जहां पर प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं। छोटू प्रोटीन रिच जो होता है वही ना, मैंने ये बोलते ना कि जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और देखिए इसके बाद ये जो एसोसिएशन है इन दोनों ऑर्गेनिज्म का, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि उनको ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं डालना होगा, और उनको ये परेशानी नहीं होगी कि नाइट्रोजन की कमी है या फिर क्यों है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपना नाइट्रोजन की कमी को खुद से पूरा कर लेंगे। और इसके साथ ही जो लिगुमिनस प्लांट हैं उसमें क्या होगा, आसानी से आपका जो प्रोडक्शन है वो हो पाएगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन वो अपना खुद से बना सकते हैं। और लेगुमिनस प्लांट का कहने का मतलब कि जो दाल वाले आपके पौधे होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए इस चैप्टर का अंत आता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड, कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पैरासिटिकल पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, तो वहाँ पर हमने समझा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि अपना खाना बनाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमने क्या देखा था जो पैरासिटिक प्लांट्स थे जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, जैसे कि अमरबेल, या फिर सेप्रोट्रॉपिक जो डेड एंड डिकेंड मैटर के ऊपर उगते हैं उनको देखा था, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी या फिर जो अपनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो लगभग सभी एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं। क्यों है हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं, कीवर्ड्स ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कीवर्ड्स में जो भी वर्ड हैं उसको आप ठीक से ध्यान रखिए, इन सभी का डेफिनेशन, इन सभी का मतलब सही से याद रखिएगा तो आपको एग्जामिनेशन में उतना परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसके ऊपर मैं अलग से इसके सारे एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग पढ़ सकें। आगे इस क्लास के ऊपर, क्लास 7 के ऊपर सारे वीडियोज आने वाले हैं, सभी वीडियोज आपको मिलेंगे, साइंस, SST, इंग्लिश सभी के मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, गुड बाय।